पे जो लोग थे उनको नहीं हटाने का काम किया, उनके लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार किए गए। ये कमिटमेंट के साथ हेमंत सोरेन सरकार आगे बढ़ी। बहुत बड़ा बड़ा दावा था 1,00,000 युवा जुटेंगे। उसी युवा आक्रोश रैली में हमको लगता है कि जितने बड़े बुजुर्गों का जो झल्लाट है मोदी सरकार के प्रति, असली आक्रोश तो पूरे देश में युवाओं का मोदी सरकार के पास है कि कहां गया रोजगार। पहले तो नियमित सेना में भी भर्ती होती थी, हर साल भर्ती होती थी, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होती थी, रेल में भर्ती होती थी, बैंकों में भर्ती होती थी। अब तो बैंक भी बिक गया, रेल भी बिकने लगा और नौकरियां भी समाप्त। यही मोदी सरकार 2014 में इस नारा के साथ आई थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ रोजगार जो 20 करोड़ के आंकड़े को छूता है, वो रोजगार कहां गया। केंद्र सरकार में यहां के मंत्री हैं, उनको बताना पड़ेगा। यहां से सर्वाधिक सांसद है, उनको बताना पड़ेगा केंद्र सरकार के पास जो हमारा बकाया है वो कब आएगा। हमारे यहां तो आवास योजना तक को रोकने का काम किया गया। 2022 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का 1 पैसा नहीं आया। राज्य सरकार ने उसके विकल्प में अपने संसाधन पर अब आवास योजना शुरू किया और लाखों लोगों को आच्छादित किया। कहते हैं कि 30% लोग बेरोजगारी भुखमरी से ऊपर उठ गए और खुद ही बताते हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं। 140 करोड़ में यदि 85 करोड़ लोग आते हैं तो भाई 25% गरीबी दर कहां चल गई। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2014 के पहले मात्र 22 करोड़ लोगों के पास था जिनको मुफ्त का अनाज मिलता था, आज वो 85 करोड़ हो गया। मतलब लोग गरीब से गरीब होते गए, रोजगार छीनते चला गया। और यहां पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने देखा होगा कि उनके जो चुनाव प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री कल रांची आए और भाजपा का जब असलियत देखा, लाखों के जगह हजारों में देखा, उनको खबर मिला, मुंह छुपाकर पटना चले गए। सच्चाई समझ में आ गया है हेमंत सोरेन की लोकप्रियता का।
आसाम से जो बार बार उड़कर आते थे, अब उनका भी उड़ना बंद हो गया। प्रभारी जी को समझ में आ गया कि यदि इस रैली में हम रहेंगे तो किसानों का भी सवाल उठाएगा जेएमएम, एमएसपी का भी सवाल उठाएगा जेएमएम, हमारे कृषि क्षेत्र में जो सहयोग की बात है केंद्र के द्वारा वह भी उठाया जाएगा, इसलिए यहां से भाग गया। मतलब अब उनको केवल रांची आना है तो रात को विश्राम करना और उसके बाद सुबह निकल जाना, अच्छी है तैयारी। तो हमको लगता है आज का यह एक भारतीय जनता का पार्टी का कार्यक्रम चूंकि झारखंडी जनों के हित का नहीं था, झारखंडियों की आकांक्षाएं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, इस कारण यह पूरी तरह से असफल रहा। और जगह जगह जो आज अधिकार के लिए झामुमो के कार्यकर्ता उतरे वो गूंज लोगों के दिलों तक पहुंची और दिलों से होते हुए दिल्ली तक भी पहुंचेगी, यह संघर्ष जारी रहेगा। और दूसरी बात, आपने कहा कि भाई रघुवर जी जानबूझ के चुनाव के समय सहायक पुलिसकर्मी और तमाम, तो अनुबंध कर्मी और कंट्रैक्चुअल तो आपके लिए कोर था, पर 5 साल में आपने दूर नहीं किया। हमने प्रयास करके किसी को हटाया भी नहीं, कंटिन्यू रखा और तैयारियां कर रहे हैं हम सबको नियमित करने का। आपने देखा होगा कि 10 वर्षों तक जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे उनको सरकार ने एब्सॉर्ब करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मेरे सीमित संसाधन में हम लोगों ने मैक्सिमम डिलीवर किया और उस डिलीवरी को डेंट करने के लिए लगातार केंद्र की जांच एजेंसियां, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिशें रचती रही। हम सभी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे बढ़े। देखिए, ये प्रेसिडेंस तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, कटिले ताल लगाना, रोड पर किले गाड़ देना, पूरी तरह से रोड को कंक्रीट से ब्लॉकेट कर देना, हाईवे के दोनों तरफ 40-40 फीट चौड़े और 60 फीट गहरे नहर खोदकर उसमें पानी भर देना, ये अत्याचार की चरम सीमाओं का निर्धारण करने का काम केंद्र सरकार के मोदी सरकार जी ने किया। आज इनको कांटा तार चुभा है क्या? चुभा होगा तो उनको भी ये भी चुभा होगा कि किस प्रकार से 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, दिल्ली घुसने नहीं दिया गया। आज भी सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर की स्थिति जाकर आप देख ले, आज भी वहां पर ब्लॉकेटिंग है। जो अमृतसर से दिल्ली की दूरी 6 घंटों में पूरी की जाती थी,
आज उसी अमृतसर से दिल्ली आने के लिए आपको कम से कम 14 घंटे लगेंगे। ये है मोदी सरकार का प्रेसिडेंस, इसको हमेशा याद रखना चाहिए।